नमस्कार दोस्तों, किसान टेक्निक्स इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे अगले 3 दिन का मौसम का समाचार। अगले 3 दिनों में भारत देश के किन किन इलाकों में हल्की मध्यम या भारी बारिश होने की संभावना है, या मेघ गर्जने के साथ और ओले गिरने की संभावना भी किस किस देश के किस किस भागों में है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अपने राज्य का मौसम का हाल जानने के लिए कृपया करके वीडियो पूरा देखें, बीच में ही स्किप मत कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। चलो देखते हैं भारत देश में सबसे ज़्यादा बारिश किन किन राज्यों में होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। दोस्तों, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना इस इलाकों में ज़्यादातर रहेगी। कौता, सिम्बा, उधमपुर, रामबन या तीसा, चांबा, इस इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। तर रामबन में हल्की सी मध्यम, तर कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जो इलाके हैं दोस्तों, इस इलाकों में सबसे अधिक बारिश होगी और इसमें धर्मशाला में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। और इसके साथ केलाग में भी हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। मनाली में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। और आगे का जो इलाका है, कोटली, राजौरी, अनंतनाग, इस इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, तो कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, गंगोत्री, पोसला, केदारनाथ, इस इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ और ओले गिरने की भी चांसेस लगते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश इस इलाकों में अगले 3 दिनों में होने के चांसेस है। पौरी, देहरादून, हरिद्वार, इस इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश आपको अगले 3 दिनों में देखने को मिलेगी। या सिमिकोट, जुकोटी में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। बहुत से कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। रानीखेत, दोकी, पौरी, कर्णप्रयाग, नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून, इस इलाकों में हल्की सी मध्यम, तर कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है, तर कुछ स्थानों में गर्ज चमक के साथ तेज हवाएं भी बह सकती है। साथ ही इसके पास का एरिया देखा तो कर्नल, पानीपत, मुजफ्फरनगर, कैथल, थानेसर, जींद, इस इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो पतियाला, संगूर, मिलरकोटा, इस इलाकों में कई भागों में मध्यम बारिश होगी, तो कई भागों में हल्की वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अमृतसर में अमृतसर, ठंडा, जालंधर, नौरोवाल, गुरदासपुर, इस इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, तो कुछ स्थानों में गर्दर सुल के कुछ स्थानों में आपको मध्यम वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। तहसील बरनाला, राजौरी, कोटली, उधमपुर, इस स्थानों में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों में आपको देखने को मिलेगी। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, इस स्थानों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 3 दिनों में। तो इस्लामाबाद, हरिपुर, अटोक, कोल्यार, सेदन, झेलम, इस स्थानों में वर्षा की संभावना कम है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना कुछ स्थानों में रहेगी। इस भापरा, हजीबाबाद, गुजरनवाला, गुजरात, इस स्थानों में देखा तो हल्की वर्षा होने की संभावना कुछ इलाकों में है। तर इसके पास के इलाके हैं चंदपुर, ठकुरवारा, हल्द्वानी, किच्चा, इस इलाकों में हल्की सी मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी अगले 3 दिनों में, तो कुछ स्थानों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि किच्चा यानी पीलीभीत के बीच में ये जो स्थान दिख रहा है, इस स्थान में भारी बारिश होने की संभावना है अगले 3 दिनों में। भीमदत्ता, दानगारी में भी अच्छी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। तो बंदा, अलीगनी भी हल्की से मध्यम वर्षा आपको देखने को मिलेगी अगले 3 दिनों में। शाहजहानपुर, सीतापुर, बहिरंज, हरदोई, सिद्धौली, इस स्थानों में भी हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है, तो कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना नाकारी नहीं जा सकती। फरीदाबाद, केसगंज, अलीगढ़,
बदून स्थानों में भी हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले तीन दिनों में। दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। दिल्ली, न्यू दिल्ली, रेवाड़ी, पलवल, जाजियार, सानीपत, रहाटक, इस एरिया में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। मीरठ में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी तो कुछ स्थानों में भारी वर्षा भी हो सकती है, जैसे कि चंदपुर यानी मुजफ्फरनगर, इस जो बीच का स्थान है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्थान पे भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पे यहाँ के गर्ज चमक के साथ तेज हवाएं भी बह सकती है और मध्यम से भारी वर्षा कुछ स्थानों में देखने को मिलेगी। पानीपत में हल्की से मध्यम, करनल में भी हल्की से मध्यम वर्षा आपको अगले तीन दिनों में देखने को मिल सकती है। तोहाना, कैथल, थानेश्वर, इस एरिया में भी हल्की मध्यम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तर पतियाला, संगरूर, मालेरकोटला, इस एरिया में भी हल्की से मध्यम तर कुछ स्थानों में भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। मालेरकोटला और पतियाला के बीच का जो स्थान है, इस स्थानों में कुछ स्थानों में आपको मध्यम या भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। राजगढ़, बांद्रा, नोहार, इस स्थानों में बहुत भारी या मध्यम वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा कुछ स्थानों में हो सकती है। ऐसा हवामान दिल्ली के आसपास का एरिया का रहेगा। या गोरखपुर, शाहगंज, मऊ, भरैया, अलाहाबाद, वाराणसी, इस इलाकों में देखा जाए तो हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों में आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहां भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। छतरपुर, रेवा, मध्य प्रदेश, सिंगरौली, इस एरिया में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों में देखने को मिलेगी। हट्टा और सागर का एरिया छोड़कर कुछ जो स्थान हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं गिगार, छतरपुर, इस स्थान में हल्की या कुछ स्थानों में मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले तीन दिनों में। महाराष्ट्र में भी कापसी, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, छिंदवाड़ा, काबरा, इस एरिया में हल्की से मध्यम वर्षा आपको देखने को मिलेगी अगले तीन दिनों में। नांदेड़ में भी कई इलाकों में आपको हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अकोला में भी हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। जबलपुर में भी हल्की वर्षा कई स्थानों में देखने को मिलेगी। ऐसा पूरे देश में कई इलाकों में आपको अच्छी बारिश दिख सकती है। दिल्ली की कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बरेली की कई भागों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी बरेली की होने की संभावना रहेगी। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है कुछ भागों में। चंडीगढ़ तर यहाँ देखें तो उत्तरकाशी, पौरी, जुम्मा ताल, इस ये जो एरिया है, इस इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना अगले तीन दिनों में रहेगी। इधर भोपाल और इंदौर के पास देखा तो मंदसौर, अगर, ब्योरा, झालरपठान, गुना, इस इलाकों में कई स्थानों पे हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना नहीं है या भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन कई भागों में हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा पूरा मौसम का अनुमान रहेगा। महाराष्ट्र के कई स्थानों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्यम बारिश होने की संभावना है कापसी, कंकर, चंद्रपुर, राजापुर, गोंदिया तक कोबरा में अच्छी बारिश हो सकती है अगले तीन दिनों में। आप देख सकते हैं पूरे देश का ऐसा मौसम रहेगा। नागपुर के एरिया में, मध्य भारत कहते हैं आप जिसको, इधर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा वर्षा वह उत्तरकाशी में होने की संभावना है। दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो चैनल पे नए मेंबर है या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए हर वीडियो के अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जो नए लोग हैं
वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मौसम के रिलेटेड ताज़ा खबरें इस चैनल पे लेके आते हैं।